अबे टॉपिक 7.2 का है लेकिन मैं यहीं पे करवा रहा हूँ, मिक्सी पूरा चैप्टर हम करेंगे। और वो तीसरा थ्योरम है वो ये है कि अगर आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट निकालनी हो। अच्छा किसी ने सवाल नहीं पूछा कि सर हम टेंजेंट की लेंथ कैसे निकालेंगे, टेंजेंट तो इतना बड़ा होगा उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। तो टेंजेंट की लेंथ नहीं निकालते हम, लेंथ निकालते हैं टेंजेंट सेगमेंट की, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट। जब वर्ड पढ़ो ना सेगमेंट का तो इसका मतलब एक लाइन का हिस्सा, उसको आप सेगमेंट कहते हो, उसकी आप लेंथ निकाल सकते हो। लाइन तो इनफाइनाइट है, उसकी लेंथ तो आप निकाल ही नहीं सकते। अभी टेंजेंट सेगमेंट क्या होता है, कंसीडर कर लो अगर एक पॉइंट आउटसाइड है, आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, ये पूरा एक टेंजेंट है। लेकिन टेंजेंट सेगमेंट क्या है यहाँ पे, ये जो टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच कर रहा है ना सर्किल को, उस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, लेट कर लो ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे टेंजेंट सेगमेंट क्या है, ए बी, ठीक है। तो टेंजेंट सेगमेंट किसको बोलेंगे, जिस पॉइंट से आपने ड्रॉ किया है और जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट टच कर रहा है सर्किल को, उस पूरे हिस्से को आप क्या बोलोगे, टेंजेंट सेगमेंट, और उसी की आपको लेंथ निकालनी है। यार वीडियो मेरी सही आ रही है या हैंग हो रही है? नहीं, एक स्टूडेंट ने बोला था इसलिए मैं कह रहा था। ओ भाई क्या हो गया, तुम तो डरा रहे हो बताने के अलावा। ठीक है सही है। तो लेंथ ऑफ, सबसे पहले आपने समझ लिया कि टेंजेंट सेगमेंट क्या होता है, अब जरा देखते हैं इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। तो कंसीडर कर लो एक आउटसाइड पॉइंट था x1 y1 जिससे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की है, ठीक है, और सर्किल की इक्वेशन वही जनरल फॉर्म में x² + y² ब्ला ब्ला ब्ला। अब लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि बस आपने स्क्वायर रूट लेना है और तो कोई नई चीज नहीं है, वही काम जो अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था ना, पॉइंट को पुट किया था सर्किल की इक्वेशन में, तो बस उसको आप रूट ले लो कि बस ये करना है आपको कि आपने स्क्वायर रूट लेना है, उस पॉइंट को सर्किल की इक्वेशन में पुट करना है, x² + y² + 2gx1 + 2fy1 + c। तो आपने बस उस पॉइंट को सर्किल की इक्वेशन में पुट करना है, जो भी आंसर आएगा उसका आपने स्क्वायर रूट लेना है, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी टेंजेंट सेगमेंट की। क्लियर है बात यहाँ तक? यार इसकी डेरिवेशन है पूरी, मैं बता देता हूँ पेज नंबर कौन सा है। सवाल आपका अच्छा है, मैं ज़रा बता देता हूँ। 7.2 के स्टार्ट में जाके देख लेना, समझ आ जाएगी वहाँ पे कि क्यों हमने रूट लिया हुआ है यहाँ पे। हाँ ये आ जाओ पेज नंबर 253 पे, 7.9 टॉपिक है, ठीक है। उन्होंने जब इसको सॉल्व किया हुआ है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व किया हुआ है। अब पाइथागोरस थ्योरम में पता है आपको स्क्वायर होता है, तो लेंथ निकालने की आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हो, बाकी आप डेरिवेशन देखना आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ डेरिवेशन देखो ना मेरे भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, डायग्राम पूरी बनाई हुई है इस पेज पे, तभी तो मैंने रेफरेंस दिए पेज नंबर 253। ना समझ आए फिर पूछ लेना। अच्छा तो ठीक है। अच्छा इस चीज़ के लिए ये जो टॉपिक है ना, इसमें एक गलती हो सकती है स्टूडेंट से, वो गलती ये होती है कि अगर आपको वो सर्किल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में ना दें, ये बुक का क्वेश्चन भी है, मैं आपको ज़रा वहीं पे बता देता हूँ। पेज नंबर आ जाओ 7.2, नहीं पेज नंबर 7.2 नहीं है, पेज नंबर है 256, 7.2 और क्वेश्चन नंबर 5। इसका अगर आप पार्ट 1 देखो पार्ट 2 देखो, दोनों अगर आप इक्वेशन में देखोगे ना, तो x² और y² का कोएफिशिएंट जो है वो 1-1 नहीं है, 2-2 है, दूसरे वाले पार्ट में 3-3 है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन को ना जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जनरल फॉर्म क्या होती है कि x² y² का कोएफिशिएंट 1-1 होना चाहिए। तो ये आपको मैंने बताया था किस तरह करना होता है, पहले वाले पार्ट में आप 2 से डिवाइड कर देना इक्वेशन को, दूसरे वाले पार्ट में आप 3 से डिवाइड कर देना। तो जब आपकी इक्वेशन जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद आप पॉइंट पुट करोगे और रूट लोगे, उससे पहले ये वाला स्टेप आप लोग कर लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कोई सवाल? अब ये टॉपिक जो है, ये मुझे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में अलग से भी करवाना है, अलग से नहीं मतलब एक साथ इन चारों शेप का मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी बात थ्योरम की हो रही है तो मैं ये भी साथ करवा देता हूँ कि एक टॉपिक होता है जिसको आप बोलते हो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाला, ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होती है कि जब आपकी स्ट्रेट लाइन है एक y = mx + c, अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन है, क्योंकि जब हमने डिराइव किया है ना, आगे मैं जब आपको कंडीशन बताऊंगा तो वो कंडीशन डिराइव हुई हुई है कि स्ट्रेट लाइन अगर आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में और सर्किल की इक्वेशन ये वाली है,
तो जो कंडीशन और टेंडेंसी है वो क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान रखना, जो कंडीशन आप पढ़ोगे ना इसमें, आगे जाके एलिप्स में पढ़ोगे, पैराबोला में, हाइपरबोला में, तो उसके लिए बात ये होती है कि आप डेरिवेशन करते हो, डेरिवेशन में आप कुछ लेट करते हो, उसके बाद आपके पास एंड पे कंडीशन आ रही होती है। तो इसकी डेरिवेशन में हमने स्ट्रेट लाइन को कंसीडर किया हुआ है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और सर्किल की ये वाली इक्वेशन कंसीडर की हुई है। अब स्टूडेंट सवाल ये पूछते हैं कि सर अगर ये वाली इक्वेशन ना हो तो यार आपका सवाल डेफिनेटली मुश्किल होगा, तो वो हिसाब से देते भी नहीं है, जो आप का टॉपिक है ना वो वही देंगे आपको। डेफिनेटली ये केस भी बन सकता है कि वो आपको जनरल फॉर्म दे दें, और आई गेस इसकी भी डेरिवेशन है बुक में, लेकिन जब ये सवाल पेपर में आता है ना, अगर तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पूछी जाए वो भी इसी वाली पूछी जाती है, और अगर किसी सवाल में आपको अप्लाई करना हो तो वो भी यही वाली कंडीशन अप्लाई करते हो, तो इसकी और पॉसिबिलिटी आती नहीं है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब जरा आ जाते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है क्या। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आपकी स्ट्रेट लाइन किसी भी सर्किल के ऊपर टेंजेंट है तो वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। सर्किल आपने कंसीडर किया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये वो वाला सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है और रेडियस आर है, और कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है लेट कर लो वो इस पॉइंट पर टेंजेंट है, लेकिन उस स्ट्रेट लाइन की आपने इक्वेशन रखी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो कंडीशन क्या है कि सी स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कहने का मतलब जब स्ट्रेट लाइन टेंजेंट होगी सर्किल के ऊपर तो सी स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, ठीक है। ये आप कहीं से आप कर भी सकते हो, अगर आपके पास कोई, मेरे पास एग्जाम्पल फिलहाल है नहीं इसकी, लेकिन चलो मैं इसका करवा दूंगा। अभी टॉपिक समझ लो पहले, कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है सवाल में, लेट कर लो वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, एक सर्किल के ऊपर टेंजेंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फाइव, नहीं 25 कर लेते हैं, ठीक है कंसीडर कर लो एक स्ट्रेट लाइन है और एक सर्किल है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन जो है वो इस सर्किल के ऊपर टेंजेंट है, तो फिर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। कंडीशन क्या है कि जो वाई इंटरसेप्ट है सी, उसका स्क्वायर बराबर होगा रेडियस के स्क्वायर मल्टीप्लाई एम स्क्वायर, एम क्या है यहाँ पे स्लोप जो एक्स के साथ लिखा हुआ है टू, प्लस अगेन रेडियस का स्क्वायर, मतलब इस कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह आप अप्लाई करोगे, सी हो जाएगा एम हो जाएगा, और इस पूरी वैल्यू को ना आप स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, आर हो जाएगी। आप इसके अंदर पुट करोगे और वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन टेंजेंट है सर्किल के ऊपर। तो एक तो इस तरह वो आपसे पूछ सकते हैं, या दूसरा इस तरह आता है कि वो कुछ अननोन दे देंगे, लेट कर लो वो आपको ना सी नहीं देंगे, वो इसकी जगह के दे देंगे, और आपको बोलेंगे सवाल में कंडीशन देंगे कि ये स्ट्रेट लाइन जो है सर्किल के ऊपर टेंजेंट है, मतलब आपको चेक नहीं करना होगा, आपको बता देंगे कि ये टेंजेंट है, इस कंडीशन को रख के k की वैल्यू निकालो। तो जब आपको पता है वो उसके ऊपर टेंजेंट है तो आप इस कंडीशन को लेट करोगे, c की जगह यहाँ पे k पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो एक तो इस तरह सवाल आ सकता है कि वो आपसे बोलेंगे कि पता करो क्या ये टेंजेंट है या नहीं है, ठीक है, और दूसरा इस तरह सवाल आ सकता है कि वो आपको बता देंगे और उसके बाद किसी अननोन की वैल्यू आपको निकालनी होगी। दोनों केसेस में आप इसी कंडीशन का इस्तेमाल करोगे, लेकिन उससे पहले याद रखना है, लेट कर लो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में, इस तरह कर लो, कंसीडर कर लो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में। तो सबसे पहले आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद ही आप एम और इन सब की वैल्यू निकालोगे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है कि वाई एक तरफ करते हो, माइनस वाई को उधर ले जाना, ठीक है। तो जब आपकी इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद ही आप एम सी और इन सब की वैल्यू निकालोगे। क्लियर है बात यहां तक? इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई इन द सेंस कि आप आर स्क्वायर कॉमन ले लो, वन प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, ये भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। अच्छा, इसकी एक और सिंप्लीफिकेशन भी है जो आपके पास पेपर्स में बोर्ड एग्जाम के आई भी है, मैं वो भी बता देता हूँ। वो ये है कि अगर आप रूट ले लो, दोनों तरफ रूट लोगे ना तो सी स्क्वायर का रूट सी हो जाएगा प्लस माइनस आर स्क्वायर का रूट जो है वो आर हो जाएगा, और वन प्लस एम स्क्वायर के ऊपर रूट आ जाएगा। तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, सॉरी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, तो इस वाली कंडीशन को आप सिंप्लीफाई करके इस तरह भी लिख सकते हो। तो दोनों तरीके से वो आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बात यहां तक सबको? कुछ सवाल यहां तक?
अच्छा जी, अब हमारे पास क्या टॉपिक रह गया ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, एक टॉपिक तो है कॉन्टैक्ट ऑफ टू सर्किल का, ये पंजाब बोर्ड का टॉपिक है, सिंध बोर्ड का ऐसे है नहीं, लेकिन एक एमसीक्यूज मैंने देखा था, पता नहीं पंजाब बोर्ड में था कहाँ पे था, तो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ, एक दो कंडीशन बस मैं बता देता हूँ वो पूछी जा सकती हैं आपसे। वो है कि दो सर्किल के बारे में पूछा जाता है आपसे कि उनके आपस में रिलेशन क्या है, कॉन्टैक्ट क्या है उनका आपस में। मतलब ये होता है कि दो सर्किल जो है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, दो सर्किल जो है इंटरनली टच कर रहे हैं, सॉरी ये तो इंटरनली टच नहीं कर रहे, ये तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो टचिंग एक्सटर्नली और इंटरनली किस तरह करेंगे, इस तरह। अब ये सर्किल इंटरनली टच कर रहे हैं मतलब अंदरूनी तौर पे टच कर रहे हैं ये, और ये जो है ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो दो रिलेशन ये हो सकते हैं। तीसरा रिलेशन ये है कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो इस वाले केस में देखो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और चौथा वाला केस ये होता है कि वो आपस में नाराज हैं, वो दूर दूर हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे, ना वो टच है एक्सटर्नली, ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। सर, अगर डोमेन में से कोई एक्सक्लूड करने का सवाल आए तो वो किस तरह करते हैं, पहले मुझे बताओ ये सर्किल के अंदर कैसे आएगा, सर्किल के डोमेन निकालने का सवाल आ सकता है वैसे क्या? ये सवाल आपका है चैप्टर वन से, तो जब मैंने चैप्टर वन करवाया हुआ है तो उसमें से आप देख लेना, चैप्टर वन मैंने करवाया सेकेंड ईयर का, फंक्शनल लिमिट्स का करवाया हुआ है ना, तो उसमें मैंने बताया हुआ आप लोगों को किस तरीके से आप डोमेन निकालते हो, और डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर। सर मुझसे हो नहीं रहा था, तो आप फिर सवाल मुझे भेज देना, ग्रुप पे भेज देना, कहीं भी भेज देना। देखो डिफरेंट केस होते हैं, डिपेंड करता है ना, वो स्क्वायर रूट फंक्शन है, वो रैशनल फंक्शन है। अगर रैशनल फंक्शन होता है तो आप देखते हो कि उसका डिनोमिनेटर जीरो ना हो, जिस वैल्यू पे जीरो होता है आप उन वैल्यूज को निकाल देते हो। अगर स्क्वायर रूट फंक्शन है तो आप देखते हो कि किस वैल्यू पे वो नेगेटिव हो रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है, तो जिस वैल्यू पे नेगेटिव होता है उन वैल्यूज को आप निकाल देते हो। डिपेंड करता है फंक्शन कौन सा है। लॉगरिथम में आप जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसमें जीरो भी आप पुट नहीं कर सकते, नेगेटिव नंबर भी नहीं पुट कर सकते, तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है उनकी जो डोमेन है वो पॉजिटिव नंबर ही होती है। तो हर फंक्शन पे डिपेंड करता है, वो मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर वन में बताया हुआ है हर फंक्शन के बारे में, वहां पे देख लेना आप लोग। तो ये मैं बता रहा था चार केसेस हैं ये, लेकिन मैंने जहां तक देखा हुआ ये एक्सटर्नली टच का जो है ना ये आया हुआ है, तो ये मैं बता देता हूँ आप लोग किस तरह फाइंड करोगे। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो सर्किल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो होता ये है कि अगर आप उनके सेंटर निकालो, ठीक है, लेट कर लो मैंने सेंटर निकाला, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। इसी तरह इस सर्किल का रेडियस निकाला, लेट कर दो आर वन कहते हैं, ये सर्किल थोड़ा बड़ा है, इसके रेडियस को हम आर टू बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास दो सर्किल की इक्वेशन गिवन है और आपको उनके दरमियान रिलेशन बताना है, तो आप सबसे पहले दोनों का सेंटर निकालो, दोनों का रेडियस निकालो। अगर दोनों के सेंटर में जितना फासला है, मेरी वर्डिंग पे ज़रा गौर करना, दोबारा नहीं बोलूँगा, अगर दोनों सेंटर के दरमियान कितना डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस है, दोनों सेंटर के दरमियान ये पूरा डिस्टेंस है ना, ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस बराबर है आर वन प्लस आर टू के। अगर आप रेडियस वन को रेडियस टू में ऐड करो तो जो वैल्यू आपके पास आ रही होगी उतना ही ए और बी आपस में दूर है, क्योंकि अगर आप देखो ए बी आपस में कितना दूर है, ये पूरी लाइन है, और जब आप आर वन और आर टू को ऐड करोगे तब भी ये पूरी लाइन है। तो अगर आर वन प्लस आर टू बराबर हो जाए दोनों के सेंटर के डिस्टेंस में, कि दोनों के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस क्या है, अगर वो चीज़ बराबर हो जाए आर वन प्लस आर टू के, तो ये प्रूव हो जाएगा कि आपका जो सर्किल है वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो किस तरह निकालोगे, वही मैंने बात बताई है कि दो सर्किल की इक्वेशन गिवन होगी, आप दोनों के सेंटर निकालना, दोनों के रेडियस निकालना, दो सेंटर के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना, लेट कर लो फाइव आ गया, और रेडियस आपके पास पहले आए हुए होंगे, लेट कर लो एक का रेडियस टू है, एक का रेडियस थ्री है, तो डिस्टेंस फार्मूला से आपके पास फाइव आया था, इन दोनों रेडियस को ऐड कर दो टू प्लस थ्री, तो दिखने में लग रहा है फाइव इक्वल टू फाइव, इसका मतलब जो आपके सेंटर हैं वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। मेरी वीडियो बंद हो गई है, अच्छा ठीक है, तो इस तरह मालूम कर सकते हो कि आपके जो सर्किल हैं वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब एक केस ये हो सकता है कि ये वाला केस, ज़्यादा नहीं होते, मैं उसमें आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, ये पहला वाला केस काफ़ी अगर आया तो ये आएगा, वरना एनडी में इस तरह के आते नहीं हैं। जैसे आखिरी वाला केस है, आपको दिखने में लग रहा है
कि जो सेंटर के दरमियान डिस्टेंस है वो बढ़ गया है, क्योंकि सर्किल आपस में दूर हो गए ना, तो यहाँ पे जो इनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस होगा ना वो ग्रेटर होगा इन दोनों के रेडियस के सम के, क्योंकि ये आपस में सर्किल जो है वो काफ़ी दूर दूर चले गए। इसी तरह बाकी केस भी हैं, लेकिन ये वाला केस काफ़ी है, अगर याद करना चाहो तो ये कर लो, वरना ज़रूरी नहीं है आप लोगों के। तो बुक में बस एक सवाल है 7.2 के एंड पे आपको मिल जाएगा, आई गेस 20 है या कौन सा सवाल है, जिसमें बस बोला हुआ है कि सर्किल दो टच कर रहे हैं, ठीक है, कंडीशन निकालो। तो ये वही वाला केस था, तो मैंने बस बता दिया कि अगर सर्किल एक्सटर्नली टच करेंगे अगर आपके पास आ गया तो फिर आप इस कंडीशन को देखोगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे। तो इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते इसकी। यहाँ तक बताओ, समझ आ गया सबको? क्योंकि देखो इशू ये होता है कि आपके पास टाइम कम है, जैसे मैं नर्स के बच्चों को पढ़ाया हुआ है उनके लिए बहुत बड़ा कोर्स होता है, तो अगर मैं आपको सब पढ़ा दूँ तो वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, कितनी चीज़ें याद रख लोगे, नहीं रख पाओगे। तो बेहतर है जो आपने इंटर में पढ़ चुके हो ना वही चीज़ें मैं ज़्यादातर पढ़ाता हूँ, बस साथ में ये बता देता हूँ कि जल्दी किस तरह करना है, बस ये चीज़ है। हाँ, तो कोई टॉपिक, कोई सवाल यहाँ तक, फिर हमारा आखिरी टॉपिक रह गया, चैप्टर 7 वाइंड अप हो जाएगा। नॉर्मल लाइन सीकेंट लाइन कहला सकती है? हाँ बिल्कुल कहला सकती है, क्योंकि नॉर्मल लाइन सर्किल को, एक सेकंड में ज़रा देख रहा हूँ टॉपिक ना मिस हो गया, फिर मैं बताता हूँ। 7.1 में तो यही टॉपिक है आपके, कंसेंट्रिक हमारा रह गया एक टॉपिक, वो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया आपसे, टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन सही है। अच्छा हाँ, स्टूडेंट ने एक सवाल किया है कि नॉर्मल लाइन को सीकेंट कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हो, अगर आप नॉर्मल, क्योंकि देखो जब लाइन की बात की जा रही है ना तो इसका मतलब वो सीकेंट है। लेट कर लो एक लाइन टेंजेंट है, इस पे मैं एक नॉर्मल लाइन बना देता हूँ, नॉर्मल लाइन मैंने एक बना दी है, ठीक है। तो दिखने में लग रहा है नॉर्मल लाइन जो है वो सर्किल के दो पॉइंट को क्रॉस करके जा रही है, तो आप इसको बिल्कुल सीकेंट बोल सकते हो। कॉर्ड नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि नॉर्मल लाइन है ना, नॉर्मल लाइन की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो बढ़ती जाएगी, तो वो एज अ सेकंड लाइन है। अच्छा यार, एक दो कॉन्सेप्ट है जो इनके मैं एक साथ ही पढ़ाऊंगा आपको, वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। कल भी एक स्टूडेंट ने सवाल किया था मुझसे ये, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट मैं चारों शेप का एक साथ आपको पढ़ाऊंगा। इसी तरह एक टॉपिक होता है पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये भी मैं आप लोगों को चारों शेप की एक साथ पढ़ाऊंगा। इसी तरह एक टॉपिक होता है कि जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो कि किसकी इक्वेशन है, सर्किल की, इलिप्स की, पैराबोला, वो भी इनका मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। इसी तरह एक टॉपिक होता है, यही होता है और क्या होगा, हाँ ये तीन चार टॉपिक हैं और कुछ शायद एक दो और मिल जाए मुझे, तो ये सबके मैं एक साथ पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को एक साथ याद करने में आसानी हो, क्योंकि जब ये सवाल आते हैं तो एक साथ आ रहे होते हैं, एक कंडीशन लिखी होगी ऑप्शन में, चारों सर्किल, इलिप्स, पैराबोला सब लिखा हुआ होगा, तो सब टॉपिक मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। तो इस चैप्टर में हमारा एक टॉपिक और क्या रह गया, कंसेंट्रिक सर्किल का। कंसेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं यार? ऐसे सर्किल जिनका सेंटर सेम होता है, रेडियस डिफरेंट होता है। जैसे आपके सामने में एक सर्किल, ये आपने देखा भी होगा, ज्यादातर स्टूडेंट को बात पता होगी कि अगर एक सर्किल है इस तरह मैं बनाऊं, ये एक सर्किल है जिसका ये पूरा सेंटर है, ठीक है। अब मैं एक और सर्किल बनाता हूँ, इसका सेंटर भी यही है, बस रेडियस चेंज है, इसका रेडियस ये था, इसका रेडियस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसी तरह एक और सर्किल है जिसका रेडियस और बड़ा हो गया लेकिन सेंटर उनका सेम है। तो ऐसे सर्किल जिनका रेडियस डिफरेंट हो लेकिन सेंटर जो है उनका सेम हो, तो उन सर्किल को आप क्या बोलते हो? कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ठीक है, अब सवाल है कि अगर आप इसको इक्वेशन निकालनी हो, या आप लोगों की बुक का सवाल भी है, मैं वही बता देता हूं कि आपको एक वो पॉइंट दे देते हैं। सवाल इस तरह आता है कि एक सर्किल है, लेट कर लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 2, ये एक सर्किल की इक्वेशन है। वो आपको बोलेंगे कि जो इसके कंसेंट्रिक सर्किल है ना उसकी इक्वेशन निकालो, मतलब ये एक सर्किल की इक्वेशन है, इसके जो कंसेंट्रिक सर्किल है उसकी इक्वेशन निकालो, वो वाला सर्किल जो है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो याद रखना, अगर आपने किसी सर्किल के कंसेंट्रिक सर्किल की इक्वेशन निकालनी होती है तो उसकी शुरू की चार टर्म सेम होती हैं। अगर इसके जो भी कंसेंट्रिक होगा ना उसकी शुरू की चार टर्म एग्जैक्ट यही होंगी, फर्क क्या होगा? बस कांस्टेंट में फर्क होगा, बाकी एग्जैक्ट यही होगा। तो अगर इसके कंसेंट्रिक निकालना हो तो शुरू की चार टर्म सेम रखना, कांस्टेंट को आप के बोल देना।
अब सवाल है कि k की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये पॉइंट आपको गिवन होगा, तो आप इस पॉइंट को पुट कर देना सर्किल की इक्वेशन में, k की वैल्यू निकालना, जो k की वैल्यू आए वो उसके अंदर पुट कर देना, आपके पास सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, 7.1 में भी आपको मिल जाएगा, 7.2 में भी मिल जाएगा। वो कंसेंट्रिक भी बोल सकते हैं आपको, या कंसेंट्रिक की जगह वो बोल देंगे सेम सेंटर, एक ही बात है, सेम सेंटर बोले या कंसेंट्रिक बोले मतलब एक ही बनेगा कि सेंटर उनका सेम है बस। तो हम जरा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, तीन चार थ्योरम में ज्यादा नहीं बता रहा आप लोगों को, जो तीन चार थ्योरम है वही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा जी, अब थ्योरम है, इसको डिफरेंट नाम से पूछा जाता है एग्जाम में, मैं तीनों जरा पॉसिबिलिटीज आपको बता देता हूँ। अब जरा इसको समझना, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ अपने पास, आप लोग उर्दू इंग्लिश पश्तो में जिसमें आसानी हो लिख लेना आप अपने पास। असल चीज़ है कि थ्योरम है क्या वो मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर आपके पास एक सर्किल मौजूद है, सर्किल का एक सेंटर बना देते हैं हम, कोई एक कॉर्ड बना देते हैं, दो चीजें हमने बना दी। अगर आप इस थ्योरम को तीन तरीके से डिफाइन किया जाता है, पहला तरीका बता रहा हूं, अगर आप सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो कॉर्ड के ऊपर, क्या मैंने बात बोली कि अगर आप सेंटर ऑफ सर्किल से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करते हो तो वो लाइन जो है वो बाइसेक्ट करेगी इस कॉर्ड को, मतलब दो इक्वल हिस्सों में उसको तकसीम कर देगी। इसको अंग्रेजी में मैं कोशिश करता हूं कर दूं कि अ लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड परपेंडिकुलर टू एनी कॉर्ड, तो वो लाइन क्या करेगी, वो लाइन बाइसेक्ट करेगी कॉर्ड को। क्लियर है बात? नहीं, थ्योरम पुराने हैं, मैं बता तो रहा हूँ, ओ लेवल्स में तो बच्चों को याद होते हैं, तुम लोगों को शायद याद कम हो इसलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ये आप लोगों की बुक में मौजूद है यार। तो तुम लोग टाइम पे नहीं आते, बार बार आ रहे हो तो झुक झुक के कमर में दर्द हो जाएगा मेरे। तो एक तो आप इस थ्योरम को इस तरह डिफाइन कर सकते हो, इसकी दूसरी स्टेटमेंट भी है, सेम थ्योरम है लेकिन डिफाइन करने का तरीका अलग है, अब उस तरीकों को देख लेना। वो तरीका कहता है कि अगर आप किसी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, कहने का मतलब सबसे पहले कॉर्ड का मिड पॉइंट निकालो, ठीक है, उसके बाद आप एक परपेंडिकुलर लाइन बना दो, तो वो थ्योरम कहता है कि वो परपेंडिकुलर लाइन पास करेगी सेंटर ऑफ सर्किल से। वही कॉन्सेप्ट है, उल्टा आपने बस उसको कंसीडर किया है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉर्ड का वो पास करता है सेंटर ऑफ सर्किल से। तो पहले में यह था कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो वो बाइसेक्ट करेगा, इसको दूसरे तरीके से इस तरह एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो तो वो पास करेगा सेंटर ऑफ सर्किल से। दोनों चीजें तकरीबन एक ही हैं। अब इसका एक तीसरा स्टेटमेंट भी होती है, मेरे जहन में है नहीं, मैं कोशिश करता हूँ याद आ जाए मुझे। वो स्टेटमेंट आई गेस ये होती है कि अगर आप, हाँ याद आ गई, कि अगर आप सेंटर से एक ऐसी लाइन बनाते हो जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, मैं सर्किल से सेंटर से एक लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो अगर मैं सर्किल से सेंटर से ऐसी कोई लाइन ड्रॉप की जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो बेसिकली तीन चीजें हैं, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, सेंटर, उसके साथ खेला हुआ है। इसमें था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी, अगर एक लाइन सेंटर से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है तो वो बाइसेक्ट करेगी। इसमें था कि अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो सेंटर से पास करेगी। इसमें यह कि अगर कोई सेंटर से आप बाइसेक्टर बनाओ, मतलब कॉर्ड को जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो वो क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड के ऊपर। तो ये एक ही थ्योरम है, तीन तरीके से डिफाइन किया गया है, मैंने प्रॉपर आप लोगों को उर्दू में समझा दिए, अंग्रेजी में आएगा आपके लिए मुश्किल नहीं है समझना, ठीक है, तो इस थ्योरम को याद रखना। दूसरा थ्योरम जो हमने अभी पढ़ना है वो दो कॉर्ड से रिलेटेड है कि जो आपके कॉर्ड लेंथ में इक्वल है, लेट कर लो मैं एक कॉर्ड यहां पर बनाता हूं, इसकी लेंथ 5 है कंसिडर कर लो, और एक और कॉर्ड के बना देता हूँ यहाँ पे, कंसीडर कर लो इसकी लेंथ भी 5 है। इसकी स्टेटमेंट है कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, के जो कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल होता है, जब आप ज्योमेट्रिक शेप की बात करते हो ना तो इक्वल का वर्ड यूज नहीं करते, कॉन्ग्रुएंट का हम यूज कर रहे होते हैं, मतलब दोनों के सेम होते हैं कि इक्वल। तो अगर कॉर्ड लेंथ में इक्वल है ना तो फिर वो सेंटर से दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगे। कैसे, लेट कर लो सेंटर यहाँ पे, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये वाला कॉर्ड जो है सेंटर से इतने डिस्टेंस पे है, ये वाला कॉर्ड सेंटर से इतने डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर, बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकालना होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों कॉर्ड लेंथ में इक्वल हैं
तो पर ये सेंटर से सेम डिस्टेंस के ऊपर होंगे। अगर ये पूरा डिस्टेंस 4 है तो ये वाला पूरा डिस्टेंस भी क्या होगा, 4 होगा। तो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल। क्लियर है बात? अच्छा, एक तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था, नहीं आप लोगों को नहीं बताया था, असल में मैंने कल ही ये एमसीक्यू सॉल्व करवाया तो मैं कंफ्यूज कर रहा हूं बार बार। तीसरा थ्योरम है कि इंस्क्राइब एंगल। इंस्क्राइब एंगल वो होता है इजी लैंग्वेज में कि जो सर्कमफेरेंस के ऊपर बन रहा होता है। जैसे मैं बताता हूं, सबसे पहले एक सेमी सर्किल कंसीडर करो, एक सेमी सर्किल है। अगर आप एक इंस्क्राइब्ड एंगल बनाते हो, इंस्क्राइब एंगल क्या ये होता है कि जो एंगल आप सर्कमफेरेंस पे बना रहे हो। बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है, कहने का मतलब ये वाला एंगल अगर आप देखो तो ये जो पूरा एंगल बन रहा है ना, ये सर्कमफेरेंस पे बन रहा है ना, तो इस वाले एंगल को आप क्या बोलते हो, इंस्क्राइब एंगल बोलते हो। तो थ्योरम ये कहता है कि अगर आप सेमी सर्किल में इंस्क्राइब एंगल बनाओगे तो वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर आप देखो एक सेमी सर्किल है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इंस्क्राइब एंगल बनाया सर्कमफेरेंस के ऊपर, तो वो दिखने में आपको लग रहा है 90 डिग्री के बराबर है। और जरूरी नहीं आप सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट पिक कर सकते हो। लेट कर लो मैंने सर्कमफेरेंस के ऊपर ये वाला पॉइंट पिक किया, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, अभी भी आप ऑब्जर्व करोगे इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। आप सर्कमफेरेंस के ऊपर कहीं भी पॉइंट ले लो, मतलब कहीं भी आप इंस्क्राइब एंगल बना दो, सेमी सर्किल के अंदर इंस्क्राइब एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। यार इसको तुम सीकेंट नहीं बोल सकते, सीकेंट कैसे बोलोगे, ये तो सेगमेंट है ना, ये लाइन मैंने क्या आप नहीं, सीकेंट तो वो लाइन होती है जो क्रॉस करके निकल जाती है सर्किल को। इसमें ऐसी कोई लाइन है जो सर्किल को क्रॉस करके निकल रही है? अच्छा जी, अब क्या थ्योरम रह गया, टेंजेंट हुआ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट। एक चीज होती है जिसको आप रेडियल सेगमेंट कहते हो। रेडियल सेगमेंट क्या होता है, बेसिकली रेडियस, रेडियस एक सेगमेंट होता है ना पूरा। जैसे मैं रेडियस, ये सेंटर है, मैं यहाँ पे एक रेडियस बनाता हूँ, ये पूरा रेडियस है। तो जरा गौर करो, एक सेगमेंट है पूरा ये, जिसको आप रेडियल सेगमेंट कह देते हो या रेडियस सेगमेंट बोल दो आसानी के लिए। तो जब भी आप सर्किल के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे, लेट कर लो मैंने ये वाला पॉइंट पिक कर लिया, आप कोई भी पॉइंट पिक कर सकते हो, अगर आप इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे तो ये टेंजेंट जो है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा रेडियल सेगमेंट के, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यार किसको ऐड करूं, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आएगी। अच्छा एक सेकंड, तो मैंने क्या बात बोली कि आप सर्किल के ऊपर कोई भी पॉइंट पिक करो, ठीक है, कोई भी मैंने एक पॉइंट पिक कर लिया, लेट कर लो मैं यहां पे पिक कर लेता हूं, और मैंने एक टेंजेंट बनाया यहां पे, तो ये टेंजेंट जो है ये परपेंडिकुलर होगा रेडियल सेगमेंट के। यहां पे रेडियल सेगमेंट कौन सा है, ये वाला, तो ये टेंजेंट जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस रेडियल सेगमेंट के। तो टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट, और इसी को आप इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ये बेसिकली एक नॉर्मल लाइन है। जो रेडियल सेगमेंट आपको नजर आ रहा है ना, तो नॉर्मल लाइन भी तो इसी तरह पास करती है ना। नॉर्मल लाइन की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट होता है ना, उस पॉइंट पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन बना दो। तो अगर आप इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे तो बेसिकली वो रेडियल सेगमेंट से पास होकर जाएगी पूरी, ठीक है। तो यहां से आप एक और चीज समझोगे कि अगर आप नॉर्मल लाइन बनाते हो तो नॉर्मल लाइन हमेशा पास करती है सेंटर ऑफ सर्किल से। किसी भी पॉइंट पे अगर आपने एक टेंजेंट बनाया, उस पे अगर आप नॉर्मल लाइन बनाओगे तो वो नॉर्मल लाइन हमेशा पास करेगी सेंटर ऑफ द सर्किल से। क्लियर है बात? टेंजेंट वाला पॉइंट बता दिया था, तो पॉइंट ऑफ अ सर्कल डायमीटर से नहीं, तो खैर छोड़ दो। तो ये कुछ थ्योरम्स है जो हमने डिस्कस किए, कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लो। चैप्टर नंबर 7 सर्किल का हमारा कंप्लीट हो गया, एमसीक्यूज में इतने ही पोर्शन आता है। अब जो दो तीन पॉइंट मेरे जहन में नहीं रहे, मिस हो गए हैं, तो वो इंशाल्लाह जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उस वक्त क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। इसकी बेस्ट भी है ये कि अगर जो मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की थी ना, ज़्यादातर लोगों ने, आप लोगों ने देखी होगी सेकेंड ईयर एमसीक्यूज की, तो उसमें मैंने चैप्टर नंबर 7 सर्किल के भी एमसीक्यूज करवाए हुए थे, तो वो भी एमसीक्यूज आप गो थ्रू कर लेना। इनफैक्ट अभी आपका सेकेंड ईयर का पूरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है ना, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी भी, या अगर किसी ने देखी थी सही तरह नहीं देखी थी, तो उसको भी देख लो, क्योंकि एनईडी में एमसीक्यूज का लेवल हार्ड नहीं होता,
मीडियम होता है, हार्ड नहीं देते आपको वो। हार्ड नस में भी आपको 20 MCQs 25 मिल जाएंगे जो हार्ड है, फेडरल बोर्ड या मुश्किल होंगे। एनईटी में तो खैर काफ़ी इजी आ रहा होता है, बहुत इजी भी नहीं है, मीडियम मैंने जो वर्ड बोला है ना वो अच्छा वर्ड है। तो जो आपके पास पेपर्स हैं ना सिंध बोर्ड के, जो मैंने उसमें कवर करवाए हुए थे, तो उसमें कितने MCQs हैं जो आपके एनईटी में आते हैं, तो उसको भी आप लोग गो थ्रू कर लेना, आपको फ़ायदा हो जाएगा।